एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं सुबह की 6:30 और आप लोग देख सकते हैं मेरे बैक में कितना अच्छा व्यू है। आई थिंक वहाँ पे आग लगाई थी लखनऊ में, तो उस वजह से धुआं पूरा फैल गया है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बारिश हो रही है। पहाड़ों में कब बारिश हो जाए पता ही नहीं चलता है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का जो क्विक अपडेट ये है कि पूजा है छोटी सी, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, एक मंदिर है नीचे, जब आते हैं मूर्ति वहाँ पड़ता है। देखिए हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, वो देख सकते हैं आप, छोटी सी गाड़ी लग रही है, वो ऊपर पहाड़ में खड़ी है। तो आज बन रहे हैं पूरी और आलू की गुटुक। अगर आप इसे, कुछ लोग पहाड़ी हैं तो वो जान सकते हैं कि आलू गुटुक कितने टेस्टी लगते हैं। तो यही सब बन रहा है और हमारा प्लान है कि शाम के टाइम पर या दिन में हम थोड़ी देर के लिए नदी में जाएंगे, तो मैं आपको वहाँ का व्यू भी दिखाऊँगी। सो आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी लाइफ। तो आज जो वीडियो की कमान है वो मेरे हाथ में है और हम देख लीजिए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। व्यू देख सकते हैं आप आसपास का, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, आज बारिश आई थी बहुत तेज। आप देख सकते हैं जहाँ वो टॉप पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमें वहाँ तक अभी पहाड़ी चढ़नी है पैदल पैदल। हमें वो मंदिर जाना है गोलजू थान, देख सकते हैं आप। बहुत ही अजीब से रास्ते से चढ़ के आए हैं अभी हम जंगलों के बीच से, यहाँ बाघ हो सकते हैं। इसको शिशुण बोलते हैं, शिशुण का पेड़ है ये, चुपता है तो आप 3-4 दिन तक सूज जाते हो। और देखिए किस तरीके की चढ़ाई चढ़नी है यहाँ पे, हाथों को रख के, पैरों को रख के। किलमोड़े बोलते हैं गाइस, ये नहीं हम खाते हैं जब ये थोड़े मोटे हो जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो गाइस ये है रास्ता आने का, है मेरा नानी का घर। टोटल यहाँ पे 10 कमरे हैं। हाँ तो चलिए मैं आपको अपना नानी का घर दिखाती हूँ। ये जगह है, यहाँ पर हम भैंसे वगैरह रखते हैं। ये वॉशरूम है, बाथरूम है और ये सामने से खेत है जहाँ पे नानी मिर्च लहसुन ये सब लगाती है। और ये है पानी की टंकी, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और नीचे वो नदी है जहाँ पे हम शाम के टाइम पे जाएंगे। ये सारे कनिस्तर वगैरह रखे हैं पानी भरने के लिए और यहाँ पे भैंसे बांधते हैं। और ये सारे गेहूँ, क्योंकि गेहूँ का टाइम था जब हम गए थे। तो चलिए पहले कमरे में चलते हैं। तो ये है दीवासर, ये पाइप रखा हुआ है, नल सामने ही है तो पाइप की हेल्प से ही पानी भर लेते हैं। और ये मेरी मामी का शादी का सामान है, सोफ़ा सेट। बेड जो है वो भी ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है, पहले बेड नीचे था।
अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में, इसके बाजू वाला कमरा जहाँ पर सिर्फ गेहूं ही गेहूं दिखेंगे आपको। ये है बहुत बड़ा अनार का पेड़, इसमें बहुत अच्छे अनार होते हैं। और ये जो है बैक साइड है नानी के घर का, ये सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं। और अब हम चलते हैं गोट के अंदर, ये प्यारी सी बकरी। तो यहाँ पे बकरियाँ और भैंस, और पहले नानी के पास एक बैल भी था। और अब ऊपर चलते हैं, तो ये है एरिया जहाँ पर कपड़े वगैरह सुखाए जाते हैं। कमरा, ये है बेड जो मैं बात कर रही थी, और ये है टीवी, और ये सारे घर वालों की फोटोज है, फैमिली फोटोज। और ये है मेरे नाना जी प्यारे से, और ये है मेरे बड़े मामा। और बस अभी थोड़ा सा मैस हो रखा है, हम लोगों ने आके यहाँ मैस कर दिया है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, और ये अटैच कमरा है इससे, और ये बैठी है मेरी प्यारी सी नानी जो मम्मी के साथ बातें कर रही हैं, और ताई सोई हुई हैं। चलिए अब मैं आपको किचन में ले जाती हूँ, ये है सीढ़ियाँ ऊपर जाने की, और ये है किचन, और यहाँ बनता है खाना। अभी अभी खाना वाना खा के हम लोग फ्री हुए थे। तो ये है अलमारी जहाँ पे नानी अपना सामान रखती है, दही, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो ये है छत, छत बहुत बड़ी है नानी की, और ये देखिए। और व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है नानी के घर का। और यहाँ पे डुग्गू खेल रहा है बकरी के साथ, इसकी क्लिप ली है मैंने जो अटैच करूँगी। और ये घर है ऊपर मामी का एक, और यहाँ पे ये पीछे का व्यू है नानी के घर का। तो ये बर्तन वर्तन रखे हैं खाना खाने के बाद धो के, और ये है लकड़ियाँ जो कि एक्स्ट्राज में रखी हैं। और ये कमरा है जो नानी ऐसे बंद के रखती है क्योंकि बंदर वगैरह चले जाते हैं, यहाँ नानी सब्जियाँ वगैरह रख लेती हैं। और ये है पीछे एक मेरे मामा रहते हैं, उनका घर है। और नीचे ये खेत है नानी का जहाँ नानी ने मिर्च बोई हुई है। और ये देखिए, ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर, यहाँ हम पहले जाते थे बकरी वकरी लेके चराने के लिए।
मेरे को पाई कर दे पागल बकरी को खिला बच्चे सो बहुत देर के बाद मिल रही हूँ मैं अभी आपको और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे नदी में और ये है पीछे मेरी नानी का घर और ये है वो रास्ता जहाँ से मैं भी आई हूँ और ये घर है और ये है लकड़ियाँ नानी की जो यूज करते हैं ये लोग तो मैंने पहना है आज ये कुर्ता पिंक कलर का इसके साथ है मेरी ऑरेंज लेगिंग्स और ये जो कुर्ता है ये मैंने लिया था बिग बाजार से आई थिंक 500 रुपीस का था लेगिंग्स कुछ 300 रुपीस की थी और साथ में पहने हैं मैंने सिंपल से छोटे से इयररिंग्स और लिपस्टिक मैंने लगाई है फ्लेमिंग फूशिया क्योंकि मुझे ये कलर शेड जो है बहुत पसंद है। चलिए नीचे चलते हैं नदी में और इंजॉय करते हैं यहाँ के वेदर को साथ में नदी को। तो ये है रास्ता नीचे जाने का और हम जाएंगे ये वाले रास्ते से जो दिख रहा है आपको ये पत्थर से दिख रहे हैं यहाँ से जाएंगे और नदी है वो उधर पे नीचे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ हम जाएंगे यहाँ पे और ये रहे पहाड़ ये देखिए घर बन रहा है एक ये देखिए खेत पीछे प्यारे है ना यहाँ पे खेत बहुत ज्यादा ग्रीनरी बहुत अच्छी है सर धोया था मैंने पता नहीं फिर भी ऑयली से लग रहे हैं जाके ही दूंगी अब कल हम सारे मंदिर घूमेंगे चित्तई गैरार एंड कसार देवी और तो फिर हम शाम के टाइम पे नैनीताल घूमेंगे वहीं रुकेंगे और परसों सुबह हम लोग अपने घर के लिए निकलेंगे तो ये देखिए ये है रास्ता खराब हो रहा है तो ये है वो नदी जहाँ हम नीचे जाने वाले हैं और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है और ये है मेरी सिस्टर आनंद तो पहले निकल चुकी है डुब्बू को मैं घर पे छोड़ के आई हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे जिद करता वो नीचे मुझे नदी पे उतारो फिर गीला हो जाता और शाम के टाइम पे तबीयत खराब हो सकती है इसलिए मैं उसे घर छोड़ के आई हूँ पापा मम्मी के पास और रास्ता देखिए वेरी खतरनाक तो मैं लास्ट टाइम आई थी नानी के घर उस टाइम पे चूड़ा उड़ा पहना हुआ था मैंने तो मेरी नानी ने मुझे मना किया था कि नहीं अभी नदी में नहीं जाना है क्योंकि नई जो दुल्हन वगैरह रहती है मतलब यहाँ पहाड़ों में कुछ पकड़ वकड़ लेगा करके उन्होंने मुझे मना कर दिया था तो इसलिए मैं इस बार मैंने सोचा कि इस बार तो मैं जाऊँगी नानी के घर तो पक्का जाऊँगी नदी में जब मैं छोटी थी तो यहाँ पर बकरियाँ और ये सब लेके भैंस वैंस लेके आती थी ना ताई के साथ अपनी चराने के लिए सो ये है वो नदी अच्छी लग रही है ना और वो देखो वो जा रहे हैं आनंद और राहुल मेरा भाई और मेरे हस्बैंड है ना ब्यूटीफुल ऊपर पहाड़ प्यारे से खेत छोटे छोटे घर और नदी व्यू आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा जो व्यू आपको यहाँ मिलेगा तो जब हम छुट्टियों में आते हैं तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैप्चर कर सके अपनी आईज में ये मोमेंट्स जिससे कि वहाँ जाके हमारी मेमोरीज हो रहे से बात कर रही थी पता था कि मेरा माइक अटैच नहीं है मैं आप लोगों से ये बोल रही थी कि देखिए मैं कितनी स्टाइल से चल के आऊंगी पानी में बट सीरियसली पत्थर बहुत हिल रहे थे तो बहुत टफ था पेड़ के पीछे
सब लोग पहुंच चुके हैं और ये देखिए कितना प्यारा सा वाटरफॉल छोटा सा। तो ये पहले नहीं था, ये अभी भी बना है और हम सब बैठे हुए हैं, सब लगे हुए अपने अपने फोटो सेशन पे। तो मुझे लगा मैं भी कुछ फोटोज़ ले लेती हूँ पहले, लेकिन आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। तो अभी हम लोगों का कुछ प्लान नहीं है, बस अब घर जाएंगे यहाँ से थोड़ा सा घूम घाम के और रात को खाना खा के आराम से सोएंगे। और सुबह हम लोग जाएंगे मंदिरों के लिए, चित्तई, गैरार और कसार देवी, और उसके बाद फिर हम जाएंगे नैनीताल। तो ये अभी तक का प्लान है और कुछ भी चेंजेस रहेंगे तो आपको अपडेट करती रहूँगी और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी हम लोग जा रहे हैं घर को वापस। इन लोगों का प्लान था नहाने का, बट ये लोग घर से प्लानिंग करके आए नहीं, यहाँ आके बोल रहे हैं कि नहाना है, सो टॉवल वगैरह लेके नहीं आए हैं, तो प्लान स्किप हो गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर को, चाय पानी पियेंगे, थोड़ा सा डिनर वगैरह करेंगे। और अच्छा लगा मुझे, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मैं यहाँ पे और थक गए हैं क्योंकि थोड़ा सा चढ़ाई है हल्की सी। और फोटो सेशन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी फोटोज़ वीडियोस बनाई है मैंने, तो मैं वो सब इंसर्ट कर दूंगी इस वीडियो में। को वेट कर रहा होगा, उसका फीट का टाइम हो गया है, उसकी आवाज़ आ रही थी यहाँ तक चिल्लाने की क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है नदी से नानी का घर। तो अभी अब लोग हम लोग जो हैं घर को वापस जा रहे हैं और घर आने के बाद डुग्गू जो था अपनी मस्ती में लगा हुआ था, थोड़ी देर हमने उसके साथ खेला। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।